नमस्कार दोस्तों, किचन शेफ मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे रसना आइसक्रीम, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए बनाना इसे हम स्टार्ट करती हैं। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और बाउल में हम एक गिलास पानी ले लेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं इसे, उस हिसाब से आप पानी ले लें। और ये चीनी का पाउडर है, इसे चीनी को हम पहले से ही पीस कर पाउडर बना लिए थे। अगर आप पाउडर नहीं बनाना चाहते तो चीनी को घुलाना होगा आपको ग्लास में थोड़ी सी पानी के साथ अच्छी तरह से। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अगर आपको जल्दी बनाना है तो चीनी को पहले ही पीस लें। और ये दो पुड़िया रसना लिया है हमने, ये एक रुपये का पैकेट मार्केट में आता है। और इसे हम इस तरह से काट लेंगे। देखिए काट लिया हमने। तो देखिए सारे को हम गिरा लिए और इस तरह से इसे मिला देंगे। और इस पानी को थोड़ी सी आप टेस्ट कर लें, आपको जितना मीठा पसंद है उतना मीठा रखें। तो ये तैयार हो गई है। और मेरे पास ये वाली मोल्ड है, तो हम मोल्ड में जमा लेंगे। आप जिस बर्तन में चाहे इसे जमा सकते हैं। इस तरह से हम मोल्ड की सारी बत्ती को खोल देंगे। इसमें हम रसना को भर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम सारे मोल्ड में इसे डाल देते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं हो तो पेपर ग्लास में भी जमा सकते हैं इसे। बस पिक जो है बाजार वाली ले लीजिएगा, जो आइसक्रीम वाले के पास रहती है। इस तरह से हम सारे मोल्ड में डाल दिए हैं। फिर भी मेरी थोड़ी सी बच गई है, तो उसे हम एक बर्तन में डाल देंगे। और इसमें हम इस तरह से इसे बंद कर देंगे। तो देखिए ये तैयार हो गई है। इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर कर देंगे। और एक मेरी बच गई थी, तो इसे हम एक छोटा सा ग्लास में इसे हम डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ग्लास को भी हम इसी में रख देंगे। जब ये आधा जम जाएगा तब हम इसमें ये पिक को लगा देंगे। तो चलिए इसे हम पहले फ्रीजर कर देते हैं, फिर हम 5-6 घंटे के बाद मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 6-7 घंटे हो गए हैं और ये आइसक्रीम मेरी जम भी गई है। तो एक ठो को हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं, ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे आइसक्रीम को निकाल लेंगे और रख देंगे। और एक ग्लास में भी हमने रखा था, आप देख सकते हैं, ये भी बहुत आसानी से निकल गई है। आप देखिए कितने अच्छे निकले हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।